एसोसिएशन का बीएसएल उत्तर प्रदेश भूमि परिमंडल के ये सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनियने हैं मंडल सचिव यहाँ पर बैठे हुए हैं, अमेर के वर्मा सर्कल सेक्रेटरी, मैं आर के मिश्रा हूँ सर्कल सेक्रेटरी, आप कमरेड अजय त्रिवेदी जी, एस रिया जो एग्जीक्यूटिव यूनियन, आप दोनों एग्जीक्यूटिव यूनियन के सर्कल सेक्रेटरी, आप कमरेड अजय सिंह सर्कल सेक्रेटरी बीएसएनएल मजदूर संघ, कमरेड डीपी सिंह सर्किल प्रेसिडेंट एनएफटी बीएसएनएल, जो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन, सेकंड एनएफटी बीएसएनएल, नॉन एग्जीक्यूटिव में दो यूनियन और एग्जीक्यूटिव में, और ये सभी यूनियनों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल की सर्किल की तरफ से आप सबका यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के लोग आए हैं, हम आप सबका स्वागत मान रहे हैं। आज मेन चीज है कि हम पिछले एक साल से बीएसएनएल की स्थिति आप जानते हैं, बीएसएनएल का रेवेन्यू दिन प्रतिदिन घट रहा है, वैसे तो 2009 से घट रहा है लेकिन पिछले एक दो तीन सालों से ज्यादा ही हो रहा है इसको, और इंडिया का पीएसयू है और जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको भी लगातार लॉस हो रहा है, तो ये टेलीकॉम सेक्टर ही इस समय मतलब चूंकि कंपटीशन की वजह से काफी नीचे जा रहा है, तो जो बीएसएनएल के लॉसेज है वो गवर्नमेंट कंपनी है उसके बावजूद भी इसके लॉसेज काफी कम है, बाकी कंपनियों के लॉसेज बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो थर्ड पीआरसी का इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करते हैं रूरल में गांवों में जाकर के टेलीकॉम की सर्विसेज देते हैं, जो कि प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, जिसमें दूसरी और कोई कंपनियां ये काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास क्लास एक लगी हुई है, अफोर्डेबिलिटी क्लास लगी हुई है थर्ड पीआरसी में, वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट